हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, ये है ना टीवीएस की रेडर 125 एंड ये इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल आप देख रहे हैं। सिंगल सीट के साथ में आती है, इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से ना इस गाड़ी की प्राइस काफी कम कर दी गई है पहले के कंपैरिजन में। पहले जैसे आप वो वाली वहाँ पे आप देखें, इसकी प्राइस ना लगभग 1,15,000 1,16,000 रुपये ऑन रोड अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इस गाड़ी की प्राइस सिर्फ 1,03,000 रुपये रखी गई है, जिसके वजह से ना काफ़ी अफोर्डेबल बन जाती है अब टीवीएस रेडर 125। एंड ये ना ये वाला मॉडल अब स्पेशली इसका जो ड्रम ब्रेक के साथ में आया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला है। मतलब जिनको डिस्क ब्रेक से उतना मतलब नहीं रहता, लेकिन इंजन काफ़ी बढ़िया रिलायबल एंड साइलेंट चाहिए ना, वो लोग ना इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा परचेस करने वाले हैं। एंड बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो भाई वैसे तो इस गाड़ी की प्राइस 1,05,000-6,000 रुपये है, लेकिन अभी दिवाली के टाइम पे ना इस पर काफ़ी बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। जैसे दिवाली के टाइम पे इसको आप परचेज़ करते हैं ना, तो 1,03,000 1,04,000 रुपये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और ये सभी गाड़ियाँ ना आपको आदित्य टीवीएस शहादतगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब 1,03,000 रुपये में टीवीएस वाले क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं रेडर 125 के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं ना इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, मतलब एज इट इज़ सेम है टॉप मॉडल की तरह। बात करें इसकी कीज़ की, तो भाई इसमें भी आपको वेप की मिल जाती है। ये देखिए टीवीएस लिखा हुआ मिल जाता है, टीवीएस का लोगो दिया गया है। इसको लगा देता हूँ पहले, फिर देखते हैं कुछ ऑन होता है फ्रंट में कि नहीं। भाई यहाँ पे आप देखेंगे LED DRL दिया जा रहा है। जैसे आप टॉप मॉडल भी देखेंगे ना, तो उसमें भी सेम टाइप का फ्रंट लुक दिया जा रहा है। एंड इसमें भी आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया गया है टीवीएस की तरफ से। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है टीवीएस का। मतलब टीवीएस की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जा रही है। एंड यहाँ पे ना आर का लोगो मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड ये पूरा पैनल इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया। यहीं पर इसका मीटर कंसोल भी प्लेस किया गया है। इंडिकेटर इसका हैलोजन बल्ब के साथ में आता है। बात करें हेडलाइट की, तो भाई इसमें फुल्ली LED मतलब हेडलाइट दी जा रही है, हैलोबीम के साथ में आती है। प्लस ये सी शेप में ना DRL दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया लुक इसके मतलब लुक्स को ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है फ्रंट से। एंड यहाँ पे पूरा इसका रिंग देख सकते हैं, रेड कलर में दी जा रही है, जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड फ्रंट में ना 35mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया। इसमें डुअल टोन में इसका मडगार्ड मिल जाता है, यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड इसमें 130mm की ना ड्रम ब्रेक दी जा रही है। एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आती है। फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर, मतलब फ्रंट और रियर में ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलता है। बात करें फ्रंट टायर सेक्शन की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 80x100 17 सेक्शन का इसमें ट्यूबलेस टायर दिया जा रहा है फ्रंट में अलॉय व्हील के साथ में। और भाई अलॉय व्हील का लुक ना काफ़ी तगड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इस गाड़ी में टायर दिया जा रहा है। टीवीएस कंपनी का आपको टायर मिल जाता है, 40 से 50,000 किलोमीटर आप इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं। एंड बात करें साइड लुक की, तो भाई साइड से कुछ ऐसी दिखती है, मतलब साइड से भी सिमिलर ही है टॉप मॉडल की तरह, लेकिन इसमें भी आपको ना अभी भी किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। यहाँ पे टीवीएस का लोगो मिल जाता है। और ये पैनल ना इसका मतलब कवर इसका फाइबर में दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इंजन इसका आप देख सकते हैं सिंगल प्लग के साथ में आती है। यहाँ पे टीवीएस इंटेलिगो की बैजिंग मिल जा रही है, टीवीएस का लोगो मिल जाता है। ये पूरा पैनल ना इसका ब्लैक में दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड इसके टैंक के ऊपर ना कवर लगाया गया है, जिसके वजह से ना काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है इस गाड़ी का टैंक। आप देख सकते हैं ये कवर फाइबर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरा ब्लैक का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे टेक्सचर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ना स्क्रैचेस लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पे E20 की बैजिंग मिल जा रही है, USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। मतलब इस वेरिएंट में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। एंड टैंक कुछ इस तरीके का इसका दिया गया है। यहाँ पे रेडर की बैजिंग मिल जा रही है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी की यहाँ पे स्टिकरिंग की गई है। यहाँ पे भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। एंड इंजन मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ना इसका कैटेलिटी कन्वर्टर, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है। इंजन काउल कुछ इस तरीके का इसका दिया गया है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी का इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जो इसके लुक्स को ना और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। एंड यहाँ पे रियर ब्रेक के लिए लीवर दिया गया है। एंड फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए। एंड यहाँ पे पैसेंजर के लिए दिया गया है, जो सेम आपको टीवीएस की सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। एंड रियर में आपको 5 फी एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से मतलब अपने हाइट के हिसाब से ना एडजस्ट भी कर सकते हैं। बात करें रियर टायर की, तो भाई रियर में आप देखेंगे ना, तो 100x90 17 सेक्शन का इसमें रियर में टायर दिया जा रहा है। ट्यूबलेस टायर 130mm की इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है रियर में। इसका स्विंग आर्म आप देख सकते हैं, काफ़ी पतला सा इसमें स्विंग आर्म दिया गया है। बात करें सीट काउल की, तो भाई सेम क्वालिटी की इसमें सीट काउल भी दी जा रही है, मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाती है, जिसकी लुक्स ना काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया इसमें। एंड ग्रैब हैंडल सिंगल इसमें देखने को मिल जाता है, सिंगल सीट के साथ में ये वाला वेरिएंट आता है, लेकिन सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब कुशनिंग वगैरह ना एक नंबर की मिल जाती है इसमें। एंड एग्जॉस्ट इसका आप देख सकते हैं, इसमें मफलर भी यूज़ किया गया है।
इसमें भी पन्नी लगाई गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रे कलर का ना इस गाड़ी में मफलर यूज़ किया गया, बाकी यहाँ पे भी ग्रे फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। बात करें रियर लुक की, तो भाई रियर से ना कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। रियर में ना LED टेल लाइट दी जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेम जैसे फ्रंट में DRL दिया गया ना उसी सेम में इस गाड़ी का रियर टेल लाइट दी जा रही है। मतलब काफ़ी छोटी सी एंड स्लीक सी डिज़ाइन में इसकी टेल लाइट दी गई है। यहाँ से आप इसका सीट ओपन कर सकते हैं, TVS लिखा मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड नंबर प्लेट के लिए लाइट दी जा रही है हैलोजन बल्ब वाली, बाकी इसका इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर दिया गया है एंड मडगार्ड ना काफ़ी छोटा सा दिया गया है। बात करें इसके कलर की, तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे ड्रम 125 स्टार किंग रेड कलर है, मतलब इस कलर का नाम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, बिल्कुल नया मॉडल है ये। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 7/10/2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो भाई मतलब लगभग 10 दिन पहले की ही गाड़ी ये आई है यहाँ अयोध्या उत्तर प्रदेश में। टायर इसका आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज़ का ना इसमें टायर देखने को मिल जाता है। बात करें इस साइड की, तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है टॉप मॉडल की तरह। यहाँ पे साड़ी का लेडीज़ फुटरेस्ट एंड फुटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है एल्यूमिनियम वाला, और ओपन चैन कवर के साथ में आती है। सस्पेंशन मैंने आपको इसका दिखाई दिया एंड यहाँ पे इसका साइड स्टैंड डुअल स्टैंड प्लेस किया गया। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में आती है ये गाड़ी। ये है इस गाड़ी का गियर लीवर, 5-speed गियर बॉक्स के साथ में आती है। बाकी फुटरेस्ट इसका आप देख सकते हैं, TVS लिखा मिल जाता है इसके इंजन पे एंड इंजन कुछ इस तरीके का इसका दिया गया। इंजन कॉल इसका आप चेक कर सकते हैं, सिंगल हॉर्न इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं उस तरफ की तरह। बात करें हैंडल की, तो भाई सिंगल हैंडल इस गाड़ी में दिया जा रहा है। यहाँ पर हैंडल बार मिल जाता है, काफ़ी यूनिक सा दिया गया है। एंड यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा ब्रेक लीवर क्लच, काफ़ी लाइट है इस गाड़ी का। यहाँ पर पासिंग स्विच, हाइलो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, सिंगल हॉर्न के साथ में आती है गाड़ी। और कीज़ मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ इस तरीके की इसमें की दी जा रही है। एंड बात करें मीटर कंसोल की, तो भाई इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जा रहा है, लेकिन ये ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में नहीं आता है। लेकिन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ना इसके चारों तरफ यूज़ किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर दो बटन आपको देखने को मिल जाएगा, मोड एंड सेट का यहाँ पर बटन दिया गया है, जिससे आप AAA/AAA में स्विच कर सकते हैं। एंड टाइम वगैरह ना यहीं से सेट कर सकते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए AAA रेंज, एवरेज, AAA एंड ये सारी चीज़ें ना इसमें देखने को मिल जाएंगी। फिर इस बटन से ना आप इसका टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। इसमें टाइम दिया गया यहाँ पे, गियर इंडिकेटर, RPM मीटर पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड के लिए यहाँ पे लाइट मिल जा रही है, स्पीडोमीटर यहाँ पे प्लेस किया गया है, ऑडोमीटर यहाँ पे इसका दिया गया है एंड फ्यूल लेवल ना यहाँ पे आपको बताएगा। बाकी इसमें दो राइडिंग मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इको एंड पावर मोड इसमें दिया गया है। इंजन किल स्विच ना इस गाड़ी में अभी भी मिसिंग है, बाकी इंजन स्टार्ट करने के लिए ना यहाँ पे स्विच देखने को मिल जाता है एंड हैंडल कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें ना 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन दिया जा रहा है, 11.3 PS की पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, प्लस 50-55 किलोमीटर पर लीटर का आपको आराम से माइलेज दे देगा। अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं 70-80 में, तो आपको बढ़िया माइलेज भी ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। एंड इसमें 10 लीटर का ना फ्यूल टैंक दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फ्यूल टैंक की डिज़ाइन ना काफ़ी बढ़िया की गई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो भाई लेंथ वगैरह ना इसका बिल्कुल सेम है टॉप मॉडल की तरह, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की लेंथ है 2017 mm की, विड्थ है 785 mm की एंड हाइट है इस गाड़ी ना 1028 mm की। बाकी सीट हाइट भी 790 mm की मिल जाती है, मतलब जो 5.5 या फिर 5.4 फीट के लोग भी ना इस गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं एंड सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। एंड बात करें व्हील बेस की, तो भाई 1326 mm का ना इस गाड़ी में व्हील बेस देखने को मिल जाता है, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस ना 180 mm की दी गई है, जो भाई काफ़ी ज़्यादा है। मतलब गांव-गांव के सड़कों पर भी ना इस गाड़ी को आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कर वेट 123 किलोग्राम का दिया गया, जो मतलब थोड़ा सा कम है 125 cc के सेगमेंट के हिसाब से। एंड 0-100 सिर्फ 22 सेकंड में ये गाड़ी मतलब अचीव कर लेती है, क्योंकि इस गाड़ी का वेट ना काफ़ी कम देखने को मिलता है। एंड टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आर की दी गई है। एंड बात करें वारंटी की, तो भाई इसमें 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी एंड 3 सर्विस फ्री दी जाएगी कंपनी की तरफ से। तो भाई कैसी लगी आपको TVS की रेडर 125 इस प्राइस में, मतलब 1,00,000 रुपये में आपको ये गाड़ी कैसी लगी, मतलब 1,02,000-3,000 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो भाई इस प्राइस में आपको TVS रेडर 125 कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।